हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज रमजान का पहला रोज़ा है और शहरी के लिए हम बना रहे हैं अपने सऊदी के लिए रोज़ मंदी। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि रोज़ मंदी कैसे बनता है। जैसे अरबी वीडियो भी आप लोग देखेंगे, अरबी चैनल का बनते हैं। ठीक है, वीडियो कैसे रहेगी लास्ट में ज़रूर बताना, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक, इसको बोलते हैं रोज़ मंदी। चलिए, अभी इसमें जो है हमने प्याज डालकर छोड़ दिया, इसको कम से कम 10 मिनट तक ऐसे चलाना है। ठीक है, इसके बाद में आगे आगे क्या क्या करना है पूरा आप लोगों को सीरियल बाय सीरियल दिखा दें। ठीक, तो दोस्तों प्याज थोड़ा सा पक गया है, अभी मैंने जो इसमें डाल दिया है आप लोगों को दिखा देते हैं। अभी डाला है इसमें थोड़ा सा लहसुन और अदरक। ठीक है, इसको भी 2-3 मिनट तक चलाएँगे। यह है चावल का मसाला। 2-3 मिनट इसको चलाने के बाद में, उसके बाद में इसमें हम डालेंगे टमाटो। ठीक है, कटा हुआ टमाटो, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। प्याज है, ब्लैक लेमन है, दालचीनी लकड़ी है, तेज़पत्ता है, और उसके बाद में लहसुन और अदरक डाल दिया। ठीक, ये तो हो गया चावल का। और हमारा चिकन देखिए, थोड़ा चिकन जो है हमारा रेडी है मसाला। इसको बस मंदी के लिए मतलब डालना है। ये है चिकन, चिकन पूरा मसाला लगा हुआ रेडी है। ठीक है, तो अभी इसमें हमको डालना है प्याज, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। प्याज लाओ भाई, प्याज माफ करना, टोमेटो डालो। अब हम डाल रहे हैं टोमेटो। अब इसको 2-3 मिनट तक हमको चलाना है, जब इसका थोड़ा पानी निकल जाएगा उसके बाद में हम इसमें डालेंगे मसाला, जो कि मद्रास करी पाउडर है और पिसा हुआ जो है क्या बोलते हैं लौंग है, पिसा इलायची है, पिसा काली मिर्च है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो अभी जो है चिकन मिक्स करके मसाला, उसके बाद में इसको रखना है इस जाली के ऊपर। ठीक है, ये रखा हुआ है हमारा, इसमें कटा हुआ कद्दू और पूसा गाजर, उसको भी इसी के साथ में रखना है। तो अभी जो हमने इसमें मसाला भी डाल दिया है, अब इसको हमको 5 मिनट अच्छे से मिक्स करना है, भूनना है, उसके बाद में हमको इसमें डालना है पानी। ठीक है, तो दोस्तों अभी ये जो है ग्रेवी तैयार है इसका, चावल का। अब इसमें हम डालने जा रहे हैं थोड़ा सा पानी। नहीं भाई, पानी लाओ। हाँ, पूरा डालो इसमें जो है, ये पानी पूरा डाल के इसके बाद में डालना है चावल। पानी उसमें डाल के चावल लेके आओ। अभी ये बिल्कुल जो है सालन के जैसा तैयार है, लेकिन अभी हमको इसमें जो है चावल डाल के अंदर रख देना है। ठीक है, अभी दिखाते हैं आप लोगों को कैसे कैसे क्या करना है। अभी हम इसमें डालते हैं चावल इसी के अंदर। ठीक है दोस्तों, चावल डाल दिए। अभी इसमें पानी हमको और डालना है, पानी कम है, पानी अभी और डालना है हमको। हाँ, लेके आ गए। अभी हमारा पानी जो है इसमें रेडी हो गया है दोस्तों। अब इसी के ऊपर हमको डालना है सब्ज़ी। पहले नमक चेक कर लेते हैं। तो अभी जो है इसमें नमक भी चेक हो गया, अभी जो सब्ज़ी बाकी है इसको हमको इसी के ऊपर डालना है। ठीक है दोस्तों, ये सब्ज़ी जो है डाल दिए। और वो मिर्चा और लहसुन लेके आओ भाई, खड़ा वाला। इसमें हमने डाल दिया गाजर, भूसा, और इधर हमारा जो है चिकन जाली पर रेडी है। देखिए कितना खूबसूरत है, चिकन है और करा है। अब उसके बाद में इसको हमको डालना है अंदर। ठीक है, हमने जो इसमें मिर्ची डाल दिया, लहसुन डाल दिया, ये जब ऐसे ही पक जाता है तो खाने में बड़ा मज़ा आता है। अब हम इसको जा रहे हैं अंदर डालने के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी जो हम इसको जा रहे हैं अंदर डालने के लिए,
बीजेपी बहुत, इसको जो है हमें इसके अंदर डालना है। हमारा गैस जो है चालू है, चावल रख दिया, अभी इसी के ऊपर हमने चिकन रख दिया। ये गया चिकन हमारा अंदर, चावल नीचे रखा है, अब इसको हमको बंद करना है। ये बंद कर देंगे तो अब ये दोस्तों भाप के जरिए से पकेगा। इसका नीचे जो है गैस जल रहा है, उसी के जरिए से जो भाप बनेगा पानी चावल का, उसी से चिकन पकेगा, उसी से चावल पकेगा। एक घंटे के लिए हमको इसको ऐसे ही छोड़ देना है, टच नहीं करना है। एक घंटे के बाद में चावल निकालना है, फिर आपको आगे दिखाते हैं कैसे चावल निकल दिखता है बनने के बाद में और कैसे चिकन। तो हमने इसके अंदर जो है रख दिया, लेकिन हमें इसका एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसका जो टेम्परेचर है अभी 140 में, यानी 250 से नीचे नहीं आना चाहिए, 200 और 250 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा नीचे आएगा तो जल जाएगा। माशाल्लाह, तो हमारा जो चावल है ये अभी रेडी है, 200 पर है हीट, ठीक है। तो अभी 5 मिनट के बाद में जब हम निकालते हैं चावल, उसके बाद में फिर देखते हैं कैसा है और आपको भी दिखाते हैं, ठीक है। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं इसको खोलने और देखते हैं कैसी इसकी कंडीशन है, ठीक है। जब भी खोलो इसको बहुत आराम से खोलो, एकदम से जो गैस निकलती है ना उससे आप जल भी सकते हैं। तो ये खुल चुका है और आप देखिए अंदर इसका नज़ारा किस तरह से है। तकरीबन चिकन भी रेडी है, 10 से 15 मिनट चाहिए। अभी फिलहाल हम जो है चावल निकालते हैं, फिर देखते हैं आगे। चावल देखिए, सब्जी चावल भी रेडी है, अंदर रखते हैं फिर देखते हैं, टेस्ट करके इसका। चावल इधर रख दिए, चिकन अभी बाद में आप लोगों को दिखाते हैं। उसके ऊपर जो सब्जी है वो देखिए फिलहाल, और थोड़ा सा चेक करते हैं चावल। तो ये हमारा चावल है, बिल्कुल अलग अलग है, सब चावल रेडी है। चेक, मैं सिर्फ बनाता हूँ, जल्दी टेस्ट नहीं करता हूँ, टेस्ट करते हैं यही लोग। हाँ, मजबूत फिश है ना, किस में भी। तो दोस्तों हमारा चावल तो रेडी है, आप लोगों को दिखा दिया कैसे है, ठीक है। अभी 10 मिनट के अंदर हम लोग चिकन निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं चिकन कैसे रेडी हो। उसके बाद में जब सहन में डालेंगे, यानी जब बर्तन हम लोग बोलते हैं उसमें डालेंगे, फिर आपको उसका पूरा नज़ारा दिखाते हैं, ठीक। तो अभी जो है चावल मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि पूरा सेम कलर जो है नहीं होता है। नीचे देखिए हल्का सा वाइट वाइट आ रहा है और ऊपर जो है येलो, ये सब मसाला का कमाल है, ठीक है भाई। मसाला ज़्यादा जरूरी होता है इसमें। अब ये मिक्स हो गया है, इसको जो है सहन में पलट देते हैं। अभी जो है इसको हम पहले इसमें डाल देते हैं। चावल हो गया काफी ज्यादा, सॉरी पता नहीं काफी खलास। अभी सब्जी इधर रखा है, चलिए चिकन लेकर। इसको खोलते हैं, ये देखिए चिकन हमारा तैयार है। चिकन जो है पकने के बाद कुछ इस तरह से होता है, और सब्जी जो है इधर तरतीब कर रहे हैं भाई साहब हमारे, ये लोग भी हेल्प करते हैं, मतलब पकाने में। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले पूरा काम करता हूँ, कोई काट देता है तो कोई मिक्स कर देता है, तो कोई डेकोर करने में हेल्प करता है।
जो है इधर पर चिकन छोड़ा लेते हैं, नीचे पकड़ लेता है। क्लास स्टार्ट रखिए, चिकन हो गया ना। ये है लेग पीस, देखिए किस तरह से तैयार है। जिसको भी खाना है भाई साहब आ जाइए, बना के खिलाते हैं, ठीक है। अब जिन लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी उनको समझ में आया होगा, जो लोग आधा अधूरा छोड़ के चले गए होंगे उनको क्या समझ में आएगा। ये देखिए इतना पक गया है चिकन कि टूट जाता है अगर अच्छे से नहीं निकालेंगे तो। चलो खलियादार बह के दाना दोबारा चार पीस जो हमने अपने लिए बचा लिया है क्योंकि हम चार लोग ही हैं काम करने। तो दोस्तों माफ करना, हम तरतीब कर ही रहे थे, मतलब रेडी कर रहे थे, बीच में हमारा आ गया था आरबी सऊदी, तो इसीलिए जो है वीडियो कट कर दिए थे। आप लोगों ने देखा ना पूरा वीडियो किस तरह से हमने खाना तैयार किया है और पहुँचा भी दिया, वो लोग आ गए खाने के लिए। तो आज की थी ये पूरी वीडियो, मैंने जो बनाया है खाना किस तरीके से, इसको बोलते हैं रुजमंदी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पर कर दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये मेरा खाने का चैनल नहीं है, अरबी सिखाने का चैनल है, लेकिन खाना बनाता हूँ, जो मेरा काम है वो भी मैंने दिखा दिया आप लोगों को। तो चलिए आज के लिए बस इतने ही, मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।